करने वाली पहली टीम बनकर हमारे बीच आएंगे। भाई ताली बजाने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं, ताली बजाइए। सेमीफाइनल का मैच खेलने के लिए और जा सकता है। ठीक हमारे मंच के दाहिने छोर पर सफेद रंग की जर्सी में है साहिल स्पोर्टिंग की टीम, वहीं ठीक हमारे मंच के बाईं छोर पर पीले और लाल रंग की जर्सी में है एसी ब्लैक टेलको जमशेदपुर की टीम। तो प्रकाश इस मैच में भी अहमद अली चाचा का कहना है जो फिर पहला गोल करेंगे मेरी और सुन को 300 रुपया दिया जाएगा। चलिए हमेशा एक अच्छा प्रयास रहता है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, देखना है कि भाई कौन सा खिलाड़ी मेहनती खिलाड़ी और संघर्षशील खिलाड़ी हमारे बीच उभर कर आते हैं जो अपनी टीम के पहला गोल करेंगे और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में लाने के लिए अपना योगदान देंगे। प्रकाश परिश्रम ही परिणाम बदलता है, क्योंकि आप अगर अच्छा परिश्रम नहीं करेंगे तो परिणाम बदल नहीं सकते हैं। और ऐसे परिस्थिति जब आपके सामने एक अच्छी टीम मौजूद है तो आज हर खिलाड़ियों को काफी परिश्रम करना पड़ेगा, और निश्चित तौर पर परिश्रम करेंगे तो इसका फल भी आपको मीठा मिलने वाला है। लेकिन इस बार एक बहुत अच्छा मौका मिला था जर्सी नंबर 11 रूपचांद के लिए, क्योंकि इसके पहले वाले मैच में गोल भी किया था लेकिन इस बार सही कंट्रोल नहीं कर पाए, और एक अच्छी मूवमेंट फिलहाल कार होती थी साहिल स्पोर्टिंग की टीम की तरफ से। चलिए इधर अगर रूपचांद है तो ऐसे ब्लैक चेलको में फूलचांद है, तो फूलचांद और रूपचांद ये दोनों अटैकिंग प्लेयर अपने टीम के लिए क्या करते हैं। तो यह सफेद जैसे में जो नजर आ रहा है वो टीम है साहिल स्पोर्टिंग, कि बार बार अपने नैया को साहिल पर लेके आ रहे, लेकिन अभी जो यहाँ प्रकाश समुद्र में लहरें आती है, तूफान भी आती है, और नाविक किस तरह अपने नैया को साइड पर लेके जाते हैं तो आने वाला रंग बताएगा, और वो लहर वो तूफान है एसी ब्लैक टेलको की खिलाड़ी। निश्चित तौर पर एसी ब्लैक टेलको की टीम ने आज बेहतरीन फुटबॉल खेला है। जब जब बेहतरीन शब्द की बात होती है, बेहतरीन शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि आज इन्होंने मैदान के बीचों बीच काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखाया है, और फिलहाल उनके सामने कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं साहिल स्पोर्टिंग की टीम। सभी एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों का समावेश दोनों ही टीमों में, अभी तक दो प्रयास किए हैं सौगत साहिल स्पोर्टिंग की टीम ने, थोड़ा सा संभालना पड़ेगा ऐसे ब्लैक टीम को भी, या बार बार अपनी विपक्षी टीम को मौका नहीं दे सकते हैं। ये खाली बोल बोना है, सरकार से लाजमी बात है आप अगर किसी के लिए हथियार बन जाते हैं तो निश्चित है आपको भी सतर्क रहना होगा, दूसरे खिलाफ हथियार बन जाते हैं तब सतर्क होकर रहेंगे, और इस सतर्कता नहीं बतानी होगी ऐसे मेरे खेलकों को। वही बात करें साहिल स्पोर्टिंग के खिलाड़ियों को, शुरुआती क्षण में इतने अच्छे मौके मिले थे और मौके का उन्होंने फायदा नहीं उठा पाया है, तो सीधी बात है प्रकाश एक सशक्त टीम के विरुद्ध अपन एक दो मौके मिलते हैं उस मौके का फायदा उठाते तो अच्छी बात है, अगर जब मौके का फायदा नहीं उठा पाते हैं आपका प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ियों को पता चल जाता है कि आपका खामियां क्या है और आप में खूबियां क्या है। चलिए कुल मिलाकर कहें तो आपके लिए गलतियों की कोई जगह नहीं है, यानी मार्जिन ऑफ एरर जो है काफी कम है, आप जो बेहतर कर सकते उसे करने का प्रयास करें,
कहीं कुछ एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में कि आपको जो आप बेहतर करने की क्षमता रखते हैं उसे ही मैदान के बीचों बीच करने की कोशिश होनी चाहिए। प्रकाश राज ऐसी जेल को नहीं पहला मुकाबला सूरज ब्रिक्स स्पॉट भोलाडी को उन्होंने 2-0 से फाइनल किया था। वही बात करें सेकंड राउंड में उन्होंने एक दिग्गज टीम करीमनगर मोरिया जैसे टीम को उन्होंने 1-0 से पराजित किया। और बात करें अगर हम साहिल स्पॉटिंग की उन्होंने प्रथम चक्र में बाबा स्पॉटिंग नेत्रणी नेताई जैसे दिग्गज टीम को बड़ा उलटफेर करते हुए 2-1 से पराजित किया। वहीं द्वितीय चक्र में उन्होंने अरमान स्पॉटिंग चांदनी चौक जैसे टीम को 2-0 से बाहर किया। दोनों टीमों ने गोल करने में कभी पेश नहीं की है, गोल करने के माहिर हैं ये अलग बात है। जब दोनों ही सेरा टीम एक दूसरे पर समस्या बनने का प्रयास, ये हम नहीं बताएंगे कि ये मैच कौन जीतेगी, ये समय बताएगा। कपड़े को छोड़ दीजिए भाई, आप किसी तकिए को लपेट लिए जैसा लग रहा है। कपड़े को छोड़ दीजिए बाबू, कपड़े छोड़ दीजिए, कपड़ा छोड़ दें। कपड़ा को छोड़ दीजिए, आप सुन के भी अनसुना मत कीजिए। कपड़े को छोड़ दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है, कपड़े छोड़ दीजिए, आपका पांव को बाहर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं सभी खिलाड़ी दोस्तों को। लेकिन अभी भी बहुत सारे दर्शक दिख रहे हैं कि कपड़े को पकड़ करके बैठे हुए हैं। भाई जो कोलावेरा स्कूल के बगल का जो लाइन है, आपके तक कपड़े को छोड़ देंगे, पूरा मोड़ दिए हैं। खोल दीजिए कपड़े को बाबू, खोल दीजिए। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा कपड़े को लपेटा तो इसमें क्या हानि होता है, हानि की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आपका देखा देखिए अगर सभी इस तरह का कपड़े को मोड़ने लगे, तोड़ने लगे, तो फिर मैदान का शोभा खत्म हो जाएगी। इसीलिए जब बच्चे पिताजी के पॉकेट से 1 रुपया निकाले तो उसी समय टोक देने चाहिए। प्रकाश आपको एहसास होता है कि नहीं, 1 रुपया निकाला कोई बात नहीं, 2 रुपया निकाला बिना पूछे कोई बात नहीं। जब 100 रुपया में आ जाता है तो उस समय आप हाथापाई पर उतर जाते हैं। इसीलिए बच्चे को शुरू में ताकीद करनी चाहिए, ये गलत बात है बिना पूछे काम करते। इसीलिए दर्शकों में मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस तरह कपड़े को मत मोड़े, मत तोड़े। आज का प्रकाश ग्रैंड फिनाले भी हो सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आज सभी टीमों ने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन ये दोनों टीम अपनी मेहनत के बल पर इस मुकाम को हासिल किए हैं। पुरस्कार के दौड़ में तो शामिल हो गए हैं, लेकिन कहते हैं कि इंसान के आशा और अभिलाषाओं का समापन कभी नहीं होता है। हमारी आशाएं हमारी अभिलाषाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। तब यहां से 1 लाख से संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं। दोनों टीम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि भाई इस फाइनल को जीत करके फाइनल में प्रवेश करा जाए। प्रकाश मेहनत की कुंजी जब आपके हाथ में हो, चाबी जब आपके हाथ में हो, तो दौलत की चाबी कैसे खोला जाता है ये आप पर निर्भर करता है। परिश्रम करें, मेहनत करें, टीम वर्क करें, सही सोच सही रणनीति के साथ खेलेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को जरूर सफल बनाएंगे। हेलो, ये जो आज ये लाख का क्या खेल देख रहे हैं, ये लाख का क्या तो भाई आप लोग क्या से हल्ला नहीं करेंगे, यहाँ से हल्ला मत किए भाई। आप लोग बोल रहे थे क्या कि ये जो लाख का क्या खेल देख रहे हैं, ये हम लोग को एक प्रेरणा मिला था। हम लोग माननीय सेनापति साहब के साथ में हम लोग गए थे उड़ीसा, उड़ीसा से आ रहे थे तो जगन्नाथपुर में 50 लाख का लगा था होर्डिंग, बहुत बड़ा होर्डिंग था, कितना फास्ट रहा था 50,000।
तो सेनापति जी बोले सर उसी समय करीम भाई को फोन किए कि करीम जी क्यों हम लोग फुटबॉल का प्राइज रखेंगे, और वही से तो 2021 से स्टार्ट किया 1,00,000 रुपया फुटबॉल प्राइज देने के लिए। ये करीम भाई का इसके लिए बहुत बड़ा शुरू से योगदान रहा है, और हम लोग का तो अक्टर भाई का तो अक्टर भतीजा का तो कोई बोलना ही नहीं है, तो हम लोग का मुख्य सहयोग भी है। आप बता दें थोड़ा संक्षिप्त में ही कि 1,00,000 रुपया फुटबॉल का अदा कैसे हुआ? रोहित आपने सही फरमाया, मैंने कुछ तक पहले ये भी कहा कि सही में एक अच्छी सोच रखने वाले आदरणीय शक्ति सेनापति जी जो एक क्लब 15-20 सालों से आयोजन नहीं कर रहा था, यानी कि आदिवासी फुटबॉल एसोसिएशन, और इनकी एक अच्छी सोच कि क्षेत्र में फुटबॉल बहुत लोकप्रिय खेल है, मैदान में प्रकाश हमें जितने तो मिल रही है। सभी दर्शक की अगर मैं बात करूं प्रकाश, तो कहते हैं कि नहीं किसी के सफलता या किसी के सफल होने के पीछे किसी का हाथ जरूर होता है, तो इन सबों के हाथ के साथ साथ सर शरीर है, हाथ तो है शरीर भी साथ में है। निश्चित तौर पर सौगेंद्र, जब इस तरह से कोई बड़ा आयोजन करना होता है, आयोजनकर्ता कमेटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नेतृत्व करते हैं, तो जैसे आपने कहा कि चाहे शक्तिपद सेनापति जी की बात करें, अख्तर हुसैन जी की बात करें, रवीन मंडल जी की बात करें, मोहम्मद करीम जी की बात करें, कि आगे बढ़े, नेतृत्व किया, लोग जुड़ते गए और कारवां बनती गई, और लिहाजा आज पूरी कोल्हान प्रमंडल में, मैं हमारे सरायकेला खरसावां जिले की ही नहीं बात करता हूँ, सरायकेला खरसावां जिला हो, पूर्वी सिंहभूम हो या फिर पश्चिम सिंहभूम हो, इस ATFA कोलावीरा द्वारा आयोजित जो 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता है, निश्चित तौर पर इसकी एक अलग प्रतिष्ठा है, इसका एक अलग रुतबा है। प्रकाश, कोल्हान प्रमंडल में सबसे बड़ा टूर्नामेंट के लिए जाना गया, मैं कहूँगा टूर्नामेंट क्योंकि 7 लाख के टूर्नामेंट, प्रथम पुरुष का 3 लाख, इस क्षेत्र में मतलब 2-3 3-4 जिला में कहीं नहीं हुई है, आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि कोल्हान प्रमंडल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, और एक अच्छा मौका, बहुत ही बेहतरीन और उतनी ही बेहतरीन संजय कदर गोलकीपिंग, प्रमाणित कर दिखाया है कि वे मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। बेटा कोथाई कोथाई बोले कि राखे होरी के मारे के। इसके साथ साथ इस क्लब के कोषाध्यक्ष आदरणीय सुशील मातो जी, इस क्लब के अध्यक्ष मिस्टर शिवनंदन किस्कू, साथ में इस क्लब के सचिव मिस्टर सिकंदर सोरेन, और इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे खिलाड़ी हैं जो संन्यास ले चुके हैं खेल से, लेकिन आप सबको ज्यादा डिस्टर्ब हम नहीं करेंगे क्योंकि खेल के ऊपर ज्यादा आप लोग का ध्यान है। गारंटी कैसे लो पाल साफ सुथरा खेलते हैं ना, इधर गोरे बाबू माता है बोल्ट समय जो लेफ्टी रही है लेफ्टी बोल हां वो एक बहुत बिल्कुल सेंटर लाइन के सामने गेंद, राजू भुया के पास गेंद, मौका बनाने का प्रयास किया गया है। एससी ब्लैक टेल को काफी समय के बाद एक अच्छी मूवमेंट जरूर बनी है, तो
मौका बनेगा, लेकिन फिलहाल खिलाड़ी की पहुंच से गेंद काफी दूर थी, लिहाजा गेंद तक नहीं पहुंच पाए और गेंद गई गोल लाइन से बाहर। जो भी दर्शक अभी अभी आप सबको बता दूं, तो बहुत सारे ऐसे दर्शक पहुंचे हैं, पता चलिए भी हो सकता है जो ड्यूटी पर गए हो, छुट्टी यहाँ पे आए हैं, हम लोग सोच रहे थे हम लोग बोले ताकत नहीं दिखा रहे। सफेद पोशाक में जो टीम है वो साहिल स्पोर्टिंग और वही पीला पोशाक में कैशअप ने खेल दी। पक्का रख पूरियां से क्यों हैं और पक्का था चल बना 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 राज बार बार गलतियां विक्रम किस्तू की, सॉरी वैष्णुदेव टुडू की, ये गलती क्या रन लाएगी टीम के लिए पक्का से पाने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो भी दर्शक अभी अभी आए हैं, आप सभी को बता दूं मैदान के बीचों बीच आज का ये पहला सेमीफाइनल खेल, कल भी एक तो सेमीफाइनल का मुकाबला होगा जरूर, लेकिन आज के सेमीफाइनल में दो टीम शामिल हुई है, पीला जैसे में जो नजर आ रहे होते हैं ऐसे में खेल को और वही सफेद जैसे में साहिल स्पॉर्टिंग, सिफर सिफर का मुकाबला। हालांकि जिस तरीके से दबा प्रण का प्रयास किया गया प्रकाश साहिल स्पॉर्टिंग की ओर से काबिल तारीफ है, और उतनी अच्छी स्टॉपर की बात करें यह लग रहा है चकमक खेल खेल है जैसा लग रहा है इसलिए खेल को, और कहीं ये एक रणनीति तो नहीं है, गलत रणनीति। आप बार बार अपने विपक्षी टीम को मौका दे रहे हैं, अभी तक इन्होंने 5 से 6 प्रयास किए हैं साहिल स्पॉर्टिंग की टीम ने, और इस बार एक मूवमेंट बनी थी इकाई रिफ्लेक्शन के तहत कॉर्नर लाइन के बाहर गई है, कॉर्नर के खिलाफ मिलेगा। डॉक्टर साहब परेशान हो गए, परेशान हो गए, जो भी एटीए पे बोलेवर के काम हिस्सा माना जाता था ऐसे ऐसे खिलाड़ी धक्का देखें धक्का देखें बेगो धक्का सही काम। चलिए प्रकाश पर मैदान में चले, दोनों टीम ने अपना दिशा तो बदल लिया है,
अब देखने वाली बात होगी क्या अपना दशा बदलेंगे। दशा और दिशा के फेर में कौन सा टीम बेहतर करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन निश्चित तौर पर सेकंड हाफ में दोनों टीम चाहेंगे कि अपने अंदर जो भी फुटबॉल की कला है, जो भी कौशल है, जो भी स्किल है, उसे मैदान के बीचों में झोंक दिया जाए ताकि इस टूर्नामेंट में फाइनल में उन्हें जगह मिले, क्योंकि मुकाबला कड़ा है, सबके अंदर रास्ता कांटो भरा है। रास्ता अगर कांटो भरा हो तो चलने की हिम्मत कर रखनी चाहिए, और जिसने चलने के ठान लिया तो निश्चित है इसको मंजिल मिल के ही रहेगी। उन्हें पर बड़ी चुप आज वसुदेव है, हर बार एक बार नहीं हर बार 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 और बार बार के चक्कर में उसको बाहर भी बैठना पड़ रहा है। चलिए इस बार एक बहुत अच्छा मौका बन सकता है एससी ब्लैक टेलगो की टीम के लिए। बाईस ओर से अच्छा तालमेल, अच्छी क्रॉस आई लेकिन ऑन टारगेट रखने में सफल। फिर एक बार मौका बनेगा, देसी घी डाला जाता है, और जब देसी घी डाला जाता है तो प्रकाश से धीरे धीरे खुशबू तो आती है, साथ में इतनी आग प्रज्वलित होती है कि आमने सामने जितने भी वातावरण को खराब करने वाले कीटाणु होते हैं वो सभी कीटाणु मर जाते हैं। तो यहाँ दर्शकों को वो हवन कुंड यहाँ बना हुआ है, आपको देसी घी डालना है अपना जुबानों से, लेकिन इसके अंदर एक परम सत्य ये भी है कि दर्शक भी एक अच्छा खेल, एक रोमांचक खेल देखने के लिए उत्सुक है। खिलाड़ी अगर बेहतर करेंगे तो निश्चित तौर पर इनके हाथों से तालियां भी बजेगी और मुंह से आवाज भी आएगी। खिलाड़ी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफेंसिव होकर के खेल रहे हैं, अटैकिंग फुटबॉल खेली होगी, दर्शक भी थोड़ा सा हैरान परेशान है कि भाई इसके पहले तो दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला था, लेकिन अच्छा क्या बात है कि सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में कहीं ना कहीं वो एनर्जी ऊर्जा देखने को नहीं मिली है। चले फिर एक मौका बना है एससी ब्लैक टेलगो की टीम के लिए, लेकिन इसके बीच गेंद कॉर्नर लाइन से बाहर गई। यानी कि अगर दर्शक के मन में आपको जुनून पैदा करना है, आपके लिए चाहत पैदा करना है, तो खिलाड़ी को वो करना होगा कि खिलाड़ी बड़े दर्शक के मन में जुनून कैसे पैदा होगी। फिर आशा करेंगे कि जैसे जैसे और कुछ समय मौका बना है, फिलहाल एक खिलाड़ी के ऊपर तीन तीन डिफेंडर राजू गुया है कि भागते नहीं जिद्दी खिलाड़ी है, उन्होंने वासु का पीछा किया, चेस किया और आखिरकार गेंद जीतने में सफल हुए। चलिए फिर चेस्ट पर गेंद परेशान होती है, कभी इंतजार करें और तुनू थोड़ी जगह पांच बार चौंक, वो जानता है राजू भैया कि एक गलती खेल का रुख पलट सकती है। हाँ हाँ मैंने पांच छह बार मुकाबला तो बहुत बड़ा मुकाबला है, कड़ा तो होना लाजमी बात है, लेकिन दर्शक सोच रहा तो बार बार कड़ा बोल रहे हैं लेकिन कड़ापन हमें नजर नहीं आ रही है, वो लड़ाई जिस जो होना चाहिए वो लड़ाई नजर नहीं आ रही है, और इसीलिए शायद दर्शक एकदम से मौन धारण किए हुए हैं। चलिए एक तब्दीली की तैयारी चल रही है, निश्चित तौर पर जानते हैं कि भाई खेल में थोड़ा सा और ऊर्जा डालना है तो कुछ फ्रेश लेग वाले खिलाड़ी को मैदान के बीचों बीच उतारा जाए, लेकिन फिलहाल मौका बनेगा साहिल स्पोर्टिंग की टीम के पास। वासु गेंद के साथ अच्छा पास आते खिलाड़ी के लिए, बाईं ओर से प्लान बदला गया, लेफ्ट टू राइट गेंद को दिया गया है और ये काफी खराब थी, सब्स्टिट्यूट प्लेयर मैदान के बीचों बीच उतारा गया है।
दर्शक लोग से भी बहुत अच्छा खेल देख रहे हैं और शायद आपके मुंह में कुछ जुगाली हो रही है, चाहे आप पान पराठ खाए हो या फिर बीमल या गोवा जो भी खाए हो, अच्छी बात आप खाए हुए हैं। तो आप सब से आदर की विनती है, आप लोग हेल्थ सेंटर की ओर आप लोग बैठे हैं, खड़े हैं और वहाँ खा के जो आप लोग दीवार में थूक रहे, देखिए हाल फिलहाल पेंट हुआ है और आप लोग उसको डबल पेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा आप लोग दीवार पर मत थूके, दीवार पर मत थूके, कपड़े पर मत थूके, ऐसा जगह थूके कि किसी को बुरा ना लगे। हो सकता है आपको थूकने में अच्छा लग रहा हो लेकिन दूसरे को खराब लगता है, इसीलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कपड़े का दरियर और हेल्थ सेंटर की दीवार में कृपया नहीं थूकेंगे, यही आप सबसे विनती है। और अभी तो गोल हो ही नहीं रहा है, समझ में चचा बोल रहा है क्या करे। चलिए प्रथम गोलदाता को चचा बोल रहा है 500 देंगे और ये कमाता और जैसे चाचा ने बोला वैसे दिनेश ने गति ली। चलिए अभी थोड़ा कुछ करना है, चाचा ने जो कहा है चाचा करता है, इसलिए अभी भी समय है। अगर इस देश में समय में कोई भी टीम बेहतर करती है, सभी खिलाड़ी अपने अपने जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो समय भी दूर नहीं जब हमें मैदान के बीचों बीच कुछ गोल देखने को मिल जाए। खेलते मारा हम कौन बोल आते खेलो घोड़े खेलो डिफेंडर को परेशान कर दिया था, इसको रोकने के लिए जो भी चक्रव्यूह राजू भैया के द्वारा बनाई गई है, चक्रव्यूह बहुत मजबूत है, उस चक्रव्यूह से पार हो ही नहीं पा रहे थे वसुदेव। और एक विश्वदीप के बदले जब मैं देख रहा हूँ कि वसुदेव मैदान के बाहर आ जाते हैं तो रूप चांद खेल पर चार चांद लगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब जब मैंने देखा कि वसुदेव गेंद को लेके चारों दिशा में घूम रहे थे, रूपचंद को शायद नजरअंदाज कर दे रहा था वसुदेव। रवि शायद सोचा रूपचंद ने कि अब जिम्मेदारी मुझे देना है। तो कुल मिलाकर कहें तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है कहीं ना कहीं खेल में भी तेजी आती जा रही है, तो एक बार मौका बनेगा और कुंजन बहुत बेहतरीन शॉट। चलिए बबलू ने बहुत जल्दी से कॉपी की, अच्छी गोलकीपिंग का मुजहरा पेश करते हुए बबलू, ये अच्छे गोलकीपर की पहचान होती है कि बहुत जल्दी आप गेंद तक पहुंच जाते हैं। तीन बार अच्छा मौका बना है लेकिन फिलहाल सेंटर लाइन के सामने गेंद के लिए जद्दोजहद चलती हुई दोनों खिलाड़ियों के बीच में, यानी कि 7-8-5-14 देवा जा 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 भाई भाई भाई
बहुत ही अच्छी डिफेंसिव टच करी है राजू भैया ने। आज हर खिलाड़ी ने अच्छा खेला है ऐसे ब्लैक टेल को। वही बात करें बशीर खान का जैसे नंबर 19 रविंद्र कुमारी नंबर 20 जैसे नंबर 7 विक्रम केस को जैसे नंबर 12 प्रीतम को विश्राम दिया गया है। राशन हंता जैसे नंबर 18 लक्की जैसे नंबर 9 बोसेन जैसे नंबर 3 कुंजन जैसे नंबर 11 सब चेंज है। खेल खेलते हैं चेंज है साम्राज्य हमला हो काल चल रहा चलिए अच्छे डिफेंडर की अच्छी सोच है जो भी बॉल कितने गेंद को बाहर किया जाए दो लाइन और ये झेला ही है और अच्छा मौका इस समय खेल को के लिए बहुत बड़ा भीड़ मेहनत कर लेकिन वो एकटा खेल के हो गया लेकिन मैच के केवल नहीं आए इंजीनियर के लो पैसा नहीं आछे मारले जो तो जाए मादार जो सारा लेफ्री हो हाँ एमने आंदो नहीं बने चलो बहुत मेहनत लगा के साथ ही निकल गोल कोटा ही तो
वहाँ का दोनों तरह के और अपने पर बहुत ही बड़ी चूक पहुंचा थे ब्रो, डायरेक्टली उनके टारगेट में गेंद को देना चाहिए था और उन्होंने एक गलत या सही काम किया वही जानते हैं। उन्होंने बोसेन को गेंद देना चाहा और बोसेन टाइम नहीं कर पाए। और ये देखिए अब फुलचंद सोच रहे कि भगवान ने मेरे क्या कर